Welcome to Science Pedagogics, Science Made Easier. Our today's topic is a very common disease that is diabetes, जो कई लोगों को होती है. तो आज हम देखेंगे what is diabetes and क्या क्या symptoms होते हैं उसके. So diabetes medical terms में एक metabolic disorder है जिसके symptoms hyperglycemia के होते हैं. Now अब इस definition को समझने के लिए हमें कुछ common terms का use करना पड़ेगा. मेटाबॉलिक मतलब हमारी बॉडी हम जो भी खाते हैं उसको यूटिलाइज करती है, जो भी खाते हैं उसको प्रोसेस करती है एंड उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं. देन व्हाट इज़ हाइपरग्लाइसीमिया? तो हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब होता है हमारे ब्लड में इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाए. अब अगर हमारी बॉडी ने जो भी खाया है उसको वो ढंग से यूटिलाइज करके, ढंग से प्रोसेस करके उसे नहीं काम में लेगी तो हमारी ब्लड में जो है वो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे. इसकी बेसिक जो कंसेप्ट है वो है कि हम कुछ भी खाते हैं वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है. अब एक ऑर्गन है बॉडी में पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाज इंसुलिन करके केमिकल हार्मोन सिक्रीट करता है. इंसुलिन का काम होता है हमारी बॉडी ने जो भी खाया है और उससे जो ग्लूकोज बनाई है उसको हर एक सेल्स तक पहुंचाना और उसको इस तरीके से बनाना कि सेल जो है ग्लूकोज को काम में ले सकें. तो इट्स एज सिंपल एज दैट. अगर इंसुलिन नहीं होगा तो सेल्स काम में नहीं ले पाएंगे ग्लूकोज. और डायबिटीज़ में क्या होता है, पैनक्रियाज के सेल्स डैमेज हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. अब अगर सेल्स डैमेज या डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो ऑफकोर्स ये बात है कि सेल्स का फंक्शन जो है वो इम्पेयर हो जाएगा. सेल्स का फंक्शन इम्पेयर होते ही इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाएगा और इंसुलिन का सिक्रीशन कम होगा तो सेल जो है, जो ग्लूकोज हमें खाने से मिली है उसे यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे. अगर ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तो सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी और हमारे खाने का जो पर्पस है वो बेकार हो जाएगा और जो ग्लूकोज है वो ब्लड में बढ़ जाएगी. सो नाउ लेट्स सी कि इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं. हाइपर मतलब ज़्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज, मतलब हमारी ब्लड में जो है ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हो गई एंड दिस वुड लीड टू डायबिटीज. एंड जस्ट फॉर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है हमारी बॉडी का वो होता है ऑलमोस्ट अबाउट 75 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. लेट अस सी कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं अगर किसी को डायबिटीज हो जाती है और किन सिम्टम्स से उनको जाना चाहिए डॉक्टर को दिखाने कि हो सकता है उनको डायबिटीज़ डायग्नोस हो जाए. बिकॉज डायबिटीज़ इज़ अ वेरी कॉमन डिजीज़ एंड उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है. तो पहला सिम्टम्स होता है थर्स्ट. थर्स्ट मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बस प्यास लगती ही जाती है. सेकेंड इज़ इंक्रीज्ड डाइट. आप खाना खूब खाएंगे, बहुत भूख लगेगी, बहुत प्यास लगेगी, पर इतना खाना खाने के बाद भी आपका जो वेट है वो कम होता जाएगा. तो खाना खाने पे यूजुअली बढ़ता है वेट, बट यहाँ पे खाना खाने के बाद भी जो है वेट लॉस हो जाएगा. एंड सिंस हमारा खाना काम नहीं आ पा रहा सेल को तो हमें थकान भी महसूस होगी, टायर्डनेस. नेक्स्ट इज कि क्या क्या कारण हो सकते हैं किसी इंसान को डायबिटीज़ होने के. तो पहला कारण में से है जेनेटिक्स. ये काफ़ी मेजर कॉज है. अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको सबसे पहले ये पूछेगा कि आपको, आपकी मम्मी को डायबिटीज़ थी क्या, आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है क्या. क्यों? क्योंकि ये जेनेटिक होता है, कई बार अपने रिलेटिव से अपने में आता है. दूसरा कॉज है आजकल ओबेसिटी. बच्चे जो है वो काफ़ी ओबेस होते हैं, ओवरवेट होते हैं, तो इसके कारण भी डायबिटीज़ हो सकती है. तीसरा कारण है सेडेंट्री लाइफस्टाइल. लोग आजकल मोबाइल्स में ज़्यादा घुसे रहते हैं, कमरे में बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, तो उसको सेडेंट्री लाइफस्टाइल कहते हैं. अब लाइफस्टाइल सेडेंट्री होगी तो ज़्यादा चांसेस है डायबिटीज़ के. नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है उससे क्या होता है. बढ़ गया ब्लड ग्लूकोज लेवल तो बढ़ गया. पहला है कि सेल्स को एनर्जी मिलेगी नहीं प्रॉपरली जिससे वो फंक्शन करें.
दूसरा है कि इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल ब्रेन के लिए हार्मफुल होता है, आईज के लिए हार्मफुल होता है और किडनीज के लिए हार्मफुल होता है। ये तीनों जो है बहुत ही मेजर ऑर्गन है हमारी बॉडी के। इंक्रीज जो लोग जिनको डायबिटीज़ होती है उनको अक्सर कैटरेक्ट की भी प्रॉब्लम होती है। जिनको डायबिटीज़ होती है अक्सर उनको यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। दिस इज़ बिकॉज जो इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो ब्रेन किडनी और आइज को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। देन लेट्स सी कि क्या क्या इसके ट्रीटमेंट हो सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में पहला तो है कि बाहर से इंसुलिन दिया जाए अपनी बॉडी में। दूसरा ट्रीटमेंट है कि किसी ओरल टैबलेट से चीज़ पैंक्रियास के फंक्शन को सही कर दिया जाए। बट हम नहीं डिसाइड करते ट्रीटमेंट, ये डॉक्टर डिसाइड करता है हमारे सिम्टम्स को देख के, हमारी कंडीशन को देख के कि कौन सा जो है हमारे लिए सबसे बेटर ऑप्शन है। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड फाउंड इट नॉलेजेबल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो अस ऑन YouTube.